नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक इन्वेस्टमेंट में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे। तो आज हम जो शेयर के बारे में बात करने वाले वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। 19 अप्रैल आज 2021, आज यहाँ पर बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने मिला मार्केट में। आप यहाँ भी देख सकते हैं, लगभग इस शेयर में भी 21 रुपये 20 पैसे का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 882 रुपये डाउन और निफ्टी में तो 258 रुपये यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो इस डाउनफॉल में एज अ इन्वेस्टर आपको यहाँ पे जो जो अच्छे स्टॉक है उसमें एवरेज करके चलना चाहिए, अगर आपने वो स्टॉक पहले से खरीद कर रखे, या फिर आपको ऐसे स्टॉक्स बाय करने जो आप लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे, तो उसी में कुछ एक अच्छा स्टॉक लेके आया आपके लिए जो है एक्सिस बैंक लिमिटेड का। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो है लगभग 158,000 करोड़ का। कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो निकल के आता है अराउंड 64, सेक्टर पी की बात करें तो 24 निकल के आता है। तो यहाँ पे कंपनी की 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग 800 निकल के आता है और 52 वीक लो की बात करें तो लगभग 332 निकल के आता है। तो यहाँ पे शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 648 रुपये पे। मान सकते हैं कम अभी 52 वीक हाई के मुकाबले लगभग 20% का गिरावट आपको इस शेयर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस शेयर की कासा रेशियो बताऊँ तो लगभग निकल के आती है 41% का। कासा रेशियो आपको पता होना चाहिए, कासा रेशियो होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को मिला के अगर हम उसको टोटल डिपॉजिट से डिवाइड करेंगे तो कासा का वैल्यू निकल के आता है। तो कासा का वैल्यू यहाँ पे किसी बैंक का अगर 40 के ऊपर रहे तो अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे इसका 41 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा मैं कासा रेशियो बताऊँ तो कोटक महिंद्रा का निकल के आता है लगभग 56%, क्योंकि वहाँ कोटक महिंद्रा, जिसका आपको पता होगा, सबसे अच्छा इंटरेस्ट पे करती है अपने कस्टमर्स को। तो जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे, तो आपको निफ्टी और सेंसेक्स में और इस हफ्ते गिरावट देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स के लिए बोलूँगा एक सपोर्टिंग प्राइस निकल के आता है लगभग 45,000 का, और यहाँ पे निफ्टी में आपको कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी भी निफ्टी का पी रेशियो ज़्यादा है। इस कंपनी के सपोर्टिंग प्राइस की बात करूँ तो 600 का निकल के आता है। अगर ये 600 का प्राइस तोड़ती है आपको 500 की तरफ शेयर गिरता हुआ दिखेगा, और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 700 का, तो इस कंपनी में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कुछ और दिन आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि इसका 52 वीक लो 332 रहा है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट एक बड़ा लॉकडाउन इम्पोज नहीं करती तो मार्केट में एक बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको एक करेक्शन देखने को मिला है शेयर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद, लेकिन ये करेक्शन आपको ज़्यादा दिन तक देखने को नहीं मिलेगा, एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि कोई बड़ा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, तो जिस तरह से न्यूज़ आ रहे लोकल स्तर पे कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इसी तरह के अपडेट्स चाहते हैं मार्केट से रिलेटेड, तो विवेक इन्वेस्टमेंट के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और आपका दिन मुनाफे भरा हो।